नमस्कार, मेरा नाम है मेघा मामगेन और आज बातचीत होगी हिंदी के कई बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के साथ और उपलक्ष्य है हिंदी दिवस का। तो आइए फटाफट से मिल लेते हैं आज के गेस्ट से। मेरे साथ हैं अनु सिंह चौधरी, जो कि एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट रही हैं, ऑथर रही हैं नीला स्काफ, मामा की डायरी। स्वागत है आपका अनु। विजयश्री तनवीर है हमारे साथ, लेखिका है। अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, एक इंटरेस्टिंग 9 कहानियों का संग्रह इन्होंने लिखा है। आपका स्वागत है विजयश्री। नमस्ते। मेरे साथ हैं दिव्य प्रकाश दुबे, पढ़ाई से तो इंजीनियर एमबीए हैं, लेकिन अब बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। कई सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, मुसाफिर पे, मसाला चाय, ऑक्टोपर जंक्शन। स्वागत है आपका दिव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए अशोक कुमार पांडे जी का, साहित्यकार हैं, ऑथर हैं और इनकी किताब कश्मीर नामा काफी चर्चा में रही है। हमारे साथ हैं कुमार रवि जी, ये लेखक हैं द बैक बेंच मस्टिकेयर्स के और इश्क के कई रंग, साथ ही इन्होंने किस्सा गोई भी लिखी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक परसेप्शन है कि हिंदी जो भाषा है या हिंदी जो साहित्य है, ये कहीं ना कहीं इसकी इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो हिंदी बोलने में हिचकिचाती है, पढ़ना तो दूर की बात है। असल में जो 80s 90s में जो मिडिल क्लास जो ग्रो हो रहा था, एकदम से जो नया नया नौकरियां खुल रही थी और 90s के बाद बहुत सारी ज्यादा नौकरी खुली, तो वहां पे लोगों को, खास करके जो स्पेशली जो मिडिल क्लास था, उसको ये लगा कि यार हमारे बच्चे ना अगर अंग्रेजी में बोल लें तो ये बड़ा सही चीज हो जाएगी। मतलब इससे ये तो एक अपने आप शो ऑफ हो जाएगा, ये बहुत एस्पिरेशन। बॉस। हाँ हाँ, तो एक वो एस्पिरेशनल, और वो ऐसा नहीं था, वो शुरू से भी थी। जैसे मोहल्ले में कोई ऐसे लोग थे कि जो, मैं लखनऊ में जब जिस दौरान था, कि जो अंग्रेजी पेपर मंगाते थे और जो अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करते थे, उनको हम लोग बड़ा उस नजर से देखते थे कि अरे यहाँ पे अभी हम ये हम डेवलप्ड वो डेवलप्ड नेशन है और हम अभी डेवलपिंग है, हमें वहां पहुंचना है। और ये इन जनरल था, तो चाहे वो अंग्रेजी की कोचिंग करवानी हो लोगों को। तो उसमें होता क्या था कि कहीं ना कहीं जब आपने प्रेफरेंस उसको दे दी, और अर्ली 2000 लेट में एक ऐसा दौर आया हिंदुस्तान में, जब आप 12th पास हो और बेसिक अंग्रेजी जानते हो, बोल लेते हो, तो आपकी नौकरी फट जाती थी नोएडा के कॉल सेंटर में, दिल्ली के कॉल सेंटर में, गुड़गांव में। तो इस वजह से किसी भी और भाषा को सीखने की बजाय आप अंग्रेजी पे ज्यादा जोर देने लगे। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है इधर, पिछले 10 साल में मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज हुई, वही दिल्ली है, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और अब मैं जाता हूँ, वही 20 साल के बच्चे हैं जिन्होंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ाई की, कभी वो किसी मीडियम से नहीं पढ़े, वो इंग्लिश मीडियम के हैं, सीबीएसई के हैं, वो लोग अब एकदम से और अपने रूट्स की ओर लौट रहे हैं। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको पहली बार ऐसी कहानियां दिख रही हैं कि जहां पे उनकी भाषा में, जैसे वो कैंटीन में बोलते हैं, जैसे वो हैं, उस तरीके से कोई उनसे बात कर रहा है, जैसे कोई दोस्त बात करता है, जैसे कोई बड़ा भाई करता है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन अनु। अनु से बात करते हैं। अनु, आपको लगता है कि क्या इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये एक द्वंद्व है कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम से हैं, तो फिर आप हिंदी ना एंजॉय करेंगे, हिंदी साहित्य ना आपको समझ में आएगा। मैं तो रोटी ही हिंदी की खाती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी, मतलब मैंने अपना करियर शुरू किया तभी हिंदी के चैनल से शुरू किया, और दोनों भाषाओं में लगातार काम करती रही क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय अनुवाद भी किया है। तो हिंदी और अंग्रेजी के साथ का रिश्ता जो रहा वो बड़ा अद्भुत सा रहा। एक के साथ वैसा रिश्ता रहा जैसा अपनी माँ के साथ होता है, और दूसरे के साथ वैसा रिश्ता रहा जिस जो आपको बनाना पड़ता है अपनी सास की तरह। तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था हिंदी और अंग्रेजी का। और मैं और अपने आसपास के अनुभव से, थोड़े बहुत अनुभव से बता रही हूँ कि ऐसा कोई द्वंद्व ना मैंने नहीं देखा है ना या मैं, हो सकता है ये भी हो सकता है कि मैं जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जैसे कि हम जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चाहे वो फेसबुक रहा हो, चाहे सुनने का ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो बुक्स की जो पूरी दुनिया है, जहां पर शायद आपको लिपि पढ़ने पढ़ना पढ़ना ना आता हो, अपनी मातृभाषा की लिपि से आप आगे पढ़ना, लेकिन अपनी कहानियों से मोहब्बत है, इसीलिए आप पिया मिलन चौक सुनेंगे, और इसीलिए आप हिंदी की कहानियां अपनी भाषा में इसलिए सुनेंगे क्योंकि अपनी भाषा को और बेहतर तरीके से जानने की, सुनने की, समझने की एक किस्म की उत्सुकता है। कुमार, आप सोचते हैं कि किसी भी भाषा का एवोल्यूशन, उसका विकास या उसमें बढ़ोतरी होना, ये एक पॉजिटिव चीज है, भाषा में होना चाहिए। मैं हिंदी के लिए अगर स्पेसिफिकली देखूं कि जैसे उसमें इंग्लिश शब्दों का जो मिश्रण है, या फिर कोलोकियल वर्ड्स का मिश्रण है, या फिर ऐसी भाषा जो सिर्फ एक कॉलेज में बोली जाए या स्कूल में बोली जाए,
डू यू सी दैट, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज है, ऐसा होना चाहिए एक, या भाषा को एकदम क्लिष्ट और उसके प्योरेस्ट फॉर्म में ही देखना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जब हम हिंदी यूज कर रहे हैं तो कम से कम वो विकृत ना हो, अशुद्ध ना हो, शुद्ध हिंदी यूज करें, ग्रामर का ध्यान रखें, इन चीजों के सहायता से हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी और क्लिष्ट हिंदी का यूज करना आज के दौर में या वो प्रचलन में आना है जरूरी नहीं है। आजकल के जमाने में देखिए कि फेसबुक या और भी कोई सोशल मीडिया में जो लिखा गया है उसको भी कभी कभी सोशल मीडिया साहित्य मान लिया जाता है, इट कैन पास ऑफ एट साहित्य। ऐसे में राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी विजयश्री क्या मानती हैं? अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया पे हम कुछ लिख दिया, शाम तक 400-500 लाइक मिल गए, हम समझते यही साहित्य हो, लेकिन वो क्या रहा है कि इसके बीच में जो हमारा दायित्व सबसे बड़ा ये बनता है कि हम हिंदी को बिगाड़ ना दें, बदलाव के अंदर बिगाड़ ना दें, उसमें चेंजेस वो वाले बदलाव आए जो कि आगे जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसको पढ़े, उसको समझे। दायित्व हमारा ये बनता है कि हम हिंदी को थोड़ा सरलीकरण करें, ऐसा नहीं कि हिंदी सिर्फ एक बुक शेल्फ रखने वाली किताबों की भाषा बन के रह जाए। इजी बनाए लेकिन सरल बनाए, लेकिन भाषा को बिगाड़े नहीं, भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हिंदी की कही रहे तो ये अच्छी लगेगी, उसको हम अंग्रेजी दा बनाएंगे या फिर हम उसके अंदर और दूसरी भाषाओं का समावेश कर दें या फिर डेली आम बोलचाल की भाषा बना देंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए हिंदी के साथ। लैंग्वेज जो अपनी हो, जो जिसमें आप बोलते हैं उसमें आप रिलेट ज्यादा कर पाते हैं, उसमें आप उस टॉपिक को चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉन्ट्रोवर्शियल हो आप उससे ज्यादा सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम हिंदी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें हिंदी ही आती है। अगर मैं ऐसी जगह पैदा हुआ होता जहां अंग्रेजी पढ़ाया गया, अंग्रेजी आती, मेरे माँ बाप अंग्रेजी बोल रहे होते, अड़ोसी पड़ोसी अंग्रेजी बोल रहे, तो शायद मैं अंग्रेजी में लिखता। हिंदी के साथ एक समस्या ये जरूर हुई है पिछले दिनों में कि हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं रह गई है। इतिहास, दर्शन, ये सारी चीजें, विज्ञान, ये सब हिंदी में नहीं लिखा गया है। साहित्य उन किताबों से बनता है जिनको खरीदा जाता है और खरीद के रखा जाता है और आखिरी दम तक अपने साथ रखा जाता है। मतलब जो सिंगल रीडिंग की किताबें होती हैं उनसे कोई साहित्य नहीं बनता है। ना चेतन भगत से अंग्रेजी का साहित्य बनता है, ना हमारे बेस्ट सेलर से हमारा हिंदी का साहित्य बनता है। फॉर राइटर्स, जैसे हिंदी राइटर्स हैं, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स होने से, ऑडिबल जैसे प्लेटफॉर्म होने से एक और जरिया मिला है अपने क्राफ्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप बिल्कुल इस लिहाज से बिल्कुल सही हैं कि एक किस्म की सिनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो हमेशा एक अपने एक किस्म के लेखन से दूसरे किस्म के लेखन को फायदा ही मिला है, क्योंकि मैं मिसाल के तौर पर क्योंकि मैं हिंदी में लिखती रही हूँ या हिंदी लेखक के तौर पर मेरी पहचान रही है, इसलिए जब मैं आर्या लिख रही थी तो आर्या में एक 14 साल की लड़की को जब हिंदी कविता की जुबान दी गई तो उसके लिए मुझे सही समझा गया उसकी डायलॉग लिखने के लिए या उसकी कविताएं लिखने के लिए या उसके लिए गीत लिखने के लिए। तो इस तरह की तो निजी तौर पर जाहिर है मुझे फायदा हुआ है। और मैं तो हमेशा से मानती रही हूँ कि मल्टीमीडिया ट्रैवल होना चाहिए लेखन का। एक किताब न सिर्फ किताब के तौर पर जानी जाए और न सिर्फ साहित्य के तौर पर हमारे बुक शेल्फ्स पे सजाई जाए, बल्कि अन्य भाषाओं में, अन्य माध्यमों में अपने श्रोता, अपने दर्शक, अपने पाठक ढूंढे, मैं तो इसकी पक्षधर रही हूँ। अशोक जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी कश्मीर नामा जो ऑडिबल पे है वो करीबन 22 घंटे की ऑडियो किताब है। देखिए, मैं ओल्ड फैशन आदमी हूँ, मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल काम है कि 22 घंटे कोई किताब सुन सकता है। ऐसी किताब जिसको आप 10, 12, 15, 16 या मेरे जैसा आदमी 50 घंटे में पढ़ जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरा एक चीज मानना है, एक पाठक के तौर पर और एक लेखक के तौर पर, जो आप लोग मार्केट में कहते हैं कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट में ताकत नहीं है, आप जो लिख रहे हैं उसमें ताकत नहीं है, तो आप लाख प्रचार कर लीजिए, लाख मार्केटिंग कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साल भर बाद उस किताब को कोई याद नहीं करेगा। और अगर कंटेंट में ताकत है तो वो हर मीडियम पे पढ़ी जाएगी, चाहे वो ई बुक के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडिबल के हो। अगर मजा आएगा पाठक को, अगर उसको लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है उसको, तो वो पढ़ी जाएगी और लंबे दौर में पढ़ी जाएगी। इसलिए एज अ राइटर मैं सारी मेहनत अपने कंटेंट पे करता हूँ। विजयश्री, मैं बात कर रही थी फीमेल पर्सपेक्टिव की। किताबों में आपकी 9 कहानियों का संग्रह है जो कि सुनने को मिल सकता है ऑडिबल पर। एज अ राइटर आप कैसे उसको अपने अपने राइटिंग में ला पाती हैं, अपनी स्टोरीज में ला पाती हैं? मेघा, मेरी जो कहानियों की जो नायिकाएं रहती हैं, जो हीरोइंस होती हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आती। तो मैं अपनी कहानी की नायिकाओं को ऐसे नहीं मैं ढूंढती हूँ कि कल्पनाओं की नायिकाएं हैं, वो सब
धरती से आसपास के लोगों से ही इन सब आसपास के किस्सों से मुझे मिल जाती हैं कहानियां। कहानियां होती हैं वो सच और कल्पना का एक मिश्रण होती है। हम लोग खाली सच भी लिखेंगे तो भी वो कहानी नहीं हो जाती, वो एक रिपोर्ट की तरह हो जाएगा। तो हम सच में कल्पना को मिला जुला कर एक मसाला तैयार करते हैं और कहानी बन जाती है। अनु, आई'd लाइक टू ब्रिंग यू ऑल्सो हियर। मैंने मम्मा की डायरी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा एंड आई वॉज रियली मूव्ड बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी एंड टैबू सब्जेक्ट्स एंड हाउ दीज थिंग्स आर नेवर डिस्कस्ड, विच इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू बी एबल टू लिसन एंड रीड टू टॉपिक्स लाइक दिस। इज दिस समथिंग कॉन्शियसली दैट यू वॉन्ट टू डू, दैट यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन दीज टॉपिक्स इन योर राइटिंग दैट आर यूजली ब्रश्ड अंडर द कार्पेट? जो जो आप जिनको टैबू सब्जेक्ट कह रहे हैं, हम सब, मतलब चाहे वो इंसेस्ट का मामला हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला हो, रिश्तों की बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटी का मामला हो, यहाँ तक कि हमारे समाज में तो डिवोर्स और शादी का मामला भी जो होता है वो बहुत इतना निजी और इतना टैबू मान लिया जाता है कि उसके बारे में हम कहानियां सुनना कहना चाहते हैं और न उस ग्रीफ को या उस पेन को सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो शायद वो और लेकिन शुक्र है कि हम उस परंपरा से आते हैं। हिंदी साहित्य में एक बड़ी परंपरा रही है जहाँ जिसको बड़ा बड़ा आसानी से एक स्त्री विमर्श के बक्से में बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर उस बक्से को हम खोल के देखें तो ऐसे तमाम सारे थीम्स जो हैं, सब तमाम सारे मुद्दे जो हैं, हमसे पहले की कई इसमत चुगताई से लेकर कृष्णा सोबती से लेकर मृदुला गर्ग से लेकर मैत्रेयी पुष्पा से लेकर उषा प्रेमवदा से लेकर आप नाम लीजिए और हमारे पास एक अद्भुत और बहुत रिच परंपरा है। तो और फिर भी मुझे लगता है कि कम कहानियां कही गई हैं, हम इस बारे में बात नहीं करते। तो इसीलिए शायद थोड़ा सा कॉन्शियस चॉइस रहा होगा और शायद इसलिए भी क्योंकि पहले तो अपना आंगन दिखता है ना, जो पहला अपने अपने अनुभव का जो दायरा होता है, आप किस्सा गोई सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो मेरे अनुभव का दायरा मदरहुड रहा होगा, आंगन रहा होगा, वहीं से ये शुरू हुआ है और समहा वो पर्सपेक्टिव में कभी छोड़ ही नहीं पाती, चाहे वो वेब सीरीज में हो या फिर और किसी भी किस्म के लेखन में। ग्रेट। अनु की मामा की डायरी जो कहानी ऑडिबल पे आप अनु की आवाज में ही सुन सकते हैं, नीला स्कार्फ भी मेरी आवाज में सुन सकते हैं, नीला स्कार्फ भी अनु की आवाज में है। बिल्कुल। इनफैक्ट दिव्या, आपने भी अपनी आवाज दी है अपनी कहानियों को। जी, आप सवाल पूछे अपनी आवाज खुश हो गया कि मैं बीच में ही पड़ नहीं वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा टू बी एबल टू इमोट व्हाट यू हैव रिटन। नहीं नहीं, तो मेरे साथ ये, और वैसे भी प्यार की कहानियां हैं तो कुछ ज्यादा ही इमोशन आप कर ला पाए। वो जो भी लव स्टोरीज लिख रहे हैं, कम से कम मैं ये मानता हूँ जो भी लेखक लव स्टोरी लिखते हैं उनकी जिंदगी में प्यार तो नहीं होता, तो वो बेचारे वो चीज जैसे अनु जी ने बताया ना कि जो चीज नहीं है उसी की बात करेंगे हम, तो जो नहीं होता वो बेचारे लिख और बोल के थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही ऑडिबल की कहानियों में, मैंने तो इंसिडेंटली जो पिया मिलन चौक का जो कंसेप्ट भी आया और वो मेरी रियल लाइफ में जो नॉर्थ इंडिया में जो अर्ली 2000 में लेट 90s में जो कॉलेजेस थे, तो जो गर्ल्स हॉस्टल होता था, जैसे चाहे वो BHU हो, वो जो गर्ल्स हॉस्टल के पास वाला एक चौराहा होता है जहाँ पे उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद लड़का या लड़की आखिरी बार मिलके बाय कर रहे होते हैं और वहां पे कई सारे जोड़े इकट्ठा होते हैं, तो उसको नॉर्मली हर कॉलेज में PMC बोला जाता है, पिया मिलन चौक, पिया मिलन सेंटर या पिया मिलन। तो ये हमारे कॉलेज में PMC गूगल मैप पे मार्क था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कर और ये माना जाता था तब कि अगर किसी लड़की ने आपको बोल दिया कि PMC पे मिलना, तो इसका मतलब जो आप इतने साल से अटेम्प्ट कर रहे थे दोस्ती से प्यार की तरफ पढ़ने का, उस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो आपका ग्रेजुएट हो गया, मेंस बात की बात है। हमेशा ना, जैसे मैं हमेशा स्टोरी टेलिंग में, चाहे आप लिख रहे हो कहानियां, और मैंने कहीं काशीनाथ सिंह की किसी किताब में ये पढ़ा ही था ये बात कि कहानी लिखनी भी हमेशा ऐसे चाहिए जैसे आप किसी को सुना रहे हो। तो और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कहानी सुनाते हुए कि आप जैसे आप ये मान लीजिए कि आपका कोई 10 साल पुराना दोस्त है जो आपके स्कूल के समय था, फिर आपकी नौकरी लग गई, कॉलेज हो गया, वो भूल गया आप उस दोस्त को, और एक दिन वो टकरा गया, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, जब आप 10 साल बाद उससे मिलेंगे तो आप उसको पूरी लाइफ थोड़ी ना बताएंगे कि क्या हुआ था, लेकिन जब आप एक्साइटमेंट से बताएंगे अबे यार ये हुआ था, तो जो ये अबे यार ये हुआ था में जो मेन पॉइंट्स आएंगे वही मजा आना चाहिए कहानी सुनाते हुए। उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई कहानी सुना रहा है,
ऐसा लगना चाहिए आपके होप पर से होके गुजरी है वो चीज। अगर सब लोग कहानी सुन लेंगे तो फिर किताबें कौन खरीदेगा, ऐसा कुछ डर है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अलग अलग व्यूअर्स हैं, अलग अलग रीडर्स हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो पढ़ते हैं, जिनको सुनना है, जिनके पास वक्त नहीं है वो सुन सकते हैं। तो इतनी वर्सेटाइल जनता है, लोग हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है किसी भी तौर पर। इंसिडेंटली मेरी अब किताबें बहुत सारे वही लोग पढ़ रहे हैं जो जिन्होंने पहले कहानियां सुनी है, और ये बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहे हैं और जो पढ़ते थे वो सुनने भी जा रहे हैं, तो वो हमेशा उसका एक फायदा ही रहता है, कोई नुकसान ऐसा सच नहीं लगता मुझे। आई थिंक ये जो एक टैग था कि हिंदी इज अनकूल, अगर आप हिंदी किताब पढ़ रहे हैं तो क्या आप हिंदी मीडियम के हैं, आई थिंक वो आप लोग सबकी मेहनत है कि वो हट रहा है, लोगों में इंटरेस्ट है, देयर इज जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर राइटिंग, द लिटरेचर दैट यू आर पुटिंग आउट, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया मेरा।